मध्य प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह एक्टिव हो चुका है। मॉनसून के एक्टिव होते ही कई जिलों में छवाछम बारिश का दौर जारी है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बादल जमकर बरसे हैं। मौसम विभाग ने शनिवार को सिंगरौली, दामोह, सीधी समेत 8 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही कुछ इलाकों में हल्की सी मध्यम बारिश होने की संभावना है। दरअसल प्रदेश में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम के कारण कई जिलों में बारिश हो रही है। शुक्रवार को भी राजधानी भोपाल, इंदौर समेत 10 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। अगले 24 घंटे के लिए भी IMD ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो आज मध्य प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में बिजली गिरने की भी संभावना है। प्रदेश में एक साइक्लोनिक सिस्टम की वजह से बारिश हो रही है। आज कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है तो वहीं कुछ इलाकों में धूप छांव की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश के 8 जिलों में शनिवार को तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दामोह, सागर, सिंधी, सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडौरी, छिंदवाड़ा और पारडूरना में तेज बारिश हो सकती है तो वहीं शनिवार को अगर मालवा, उज्जैन, बाड़वानी, इंदौर, बुरहानपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, दामोह, हरदा, सतना, अशोकनगर, भोपाल, सागर, खंडवा, खरगोन, बैतूल, गुणा, राजगढ़, देवास, सिवनी, बालाघाट, उमरिया, शहडोल, कटनी, शिवपुर, दतिया, विदिशा, रायसेन, सीहोर, रतलाम, शाजापुर, छिंदवाड़ा, पाढूरना, जबलपुर सहित कई इलाकों में बारिश हुई। मध्य प्रदेश में बारिश के दौर के बीच कई शहरों में गर्मी को लेकर लोग परेशान हैं। खजुराहो, ग्वालियर, नरसिंहपुर और टीकमगढ़ में पारा 35 डिग्री के पार रहा तो वहीं भोपाल में 32.8 डिग्री, इंदौर में 30, उज्जैन में 32.8 और जबलपुर में पारा 33.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शुक्रवार को नर्मदापुर के पंचमढ़ी में सबसे कम तापमान 28 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है।